हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अपने घर में आप लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे चावल से खीर। तो चलिए फ्रेंड्स, रेसिपी शुरू करते हैं। हाफ कप हमने चावल लिए हैं। चावल ये घर का ही चावल है, आप कोई भी चावल यूज कर सकते हैं। चावल को हम बड़े बाउल में डालकर बढ़िया से साफ कर लेंगे। पानी डालकर धो लेंगे चावल को, 2 से 3 पानी से धो लेंगे। इस तरह से बढ़िया से चावल को रगड़ रगड़ के साफ कर लेंगे हाथों से, ताकि चावल में जो भी गंदगी हो सब बाहर आ जाए। चावल को हमने धो लिए हैं। अब इस चावल को हम लगभग 1 से 1.5 घंटा तक छोड़ देंगे। इसी तरह फूलने देंगे चावल को, बढ़िया से रेस्ट देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, 1 से 1.5 घंटे हो गए हैं, चावल काफ़ी हद तक फूल गए हैं। चावल देखिए पूरा वाइट वाइट हो गया है, एकदम साफ लग रहा है। अब पानी हटा देंगे, दूसरा पानी डाल लेंगे इसमें। इसके बाद इस तरह से देखिए हाथों से इस तरह से रगड़ कर चावल को तोड़ेंगे, हल्का सा क्रश करेंगे। चावल फूल जाते हैं तो आसानी से टूट जाता है, अब देख पा रहे हैं इस तरह से हल्का सा हाथ से ही दरदरा कर लेंगे। इसके बाद इसका पानी हटा लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, गैस की तरफ चलते हैं। गैस पे हमने दूध पहले से ही उबलने के लिए रख दिए हैं। 1 लीटर दूध ले लिए हमने। दूध को बढ़िया से बॉयल कर लेंगे, बढ़िया से बॉयल आने देंगे। देखिए दूध में बॉयल आना स्टार्ट हो गया है। इसके बाद हम जो चावल तोड़ के रखे थे, इस चावल को इसमें डाल देंगे। चलाते हुए पकाएंगे लो फ्लेम पर। फ्लेम को हम लो ही रखेंगे, हाई नहीं रखेंगे, नहीं तो चावल कच्चे रह जाएंगे, पकेंगे नहीं। इस तरह से लो फ्लेम पर चलाते चलाते पकाएंगे। इसके बाद हम 3 इलायची ले लिए हैं। अब इस तरह से इसे हम क्रश कर लेंगे, बढ़िया से इलायची के दाने को बढ़िया से भूख लेंगे। अगर आपके पास इलायची पाउडर हो तो वो डाल ले। इसके बाद हम दूध में डाल देंगे इस तरह से। दूध में चावल जब डाले उसी टाइम में ही इलायची पाउडर भी डालना है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, खुशबू बहुत अच्छी आती है। एक बार आप इस तरह से खीर बनाकर खा लेंगे तो सच मानिए एकदम दिल खुश हो जाएगा। बार बार बनाकर खाएंगे, बहुत ही टेस्टी खीर बन के रेडी होती है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हम हाथों से टच करके देखेंगे चावल गले कि नहीं। अभी नहीं गले हैं, थोड़ा और गलेगा। इसे हम लो फ्लेम पर चलाते हुए इस तरह से पका लेंगे। इस खीर को पकाने में लगभग 20 मिनट समय लग जाता है। इसके बाद हम हाफ कप चीनी लेंगे। जितना चावल लेंगे उतना ही हमको चीनी भी लेना है। अगर आपको थोड़ा ज़्यादा मीठा पसंद हो तो थोड़ा और चीनी डाल लें, नहीं तो इतना चीनी काफ़ी है खीर के लिए। इसके बाद चीनी डालने के बाद चीनी थोड़ा सा पानी छोड़ती है। इसके बाद देखिए इस तरह से बढ़िया से पकाएंगे। इसके बाद थोड़ा सा काजू और किशमिश डालेंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर। इसे भी साथ में मिक्स करके चावल जब हल्का सा बचा हो गलने का तभी हम डालेंगे। इसके बाद देखिए चावल गल गए हैं। इसके बाद हम हाई फ्लेम पर पकाएंगे लगभग 2 मिनट तक। इस तरह से देखिए कितना गाढ़ा लग रहा है। इस तरह से मिक्स करते हुए पका लेंगे, 2 मिनट तक पका लेंगे। इसके बाद देखिए हमने पका लिए हैं। अब इसे हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे, थोड़ा देर इसी में रहने देंगे। इसके बाद हम सर्व कर लेंगे। इस तरीके से चावल की खीर आप एक बार बनाकर खा लेंगे तो इसके सामने रसमलाई फेल है, बहुत ही टेस्टी लगती है। इस तरह से हम सर्व कर लेंगे। हाफ कप चावल से हम 4 प्याली खीर बनाए हैं। देखिए इतनी चावल से इतनी ढेर सारी खीर बन के रेडी हो जाती है।
इसे आप सर्व कर लीजिए या थोड़ा सा ठंडा कर लीजिए, या फ्रिज में डालकर भी ठंडा करके खा सकते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। अगर कुछ मीठा खाने का मन हो तो ये चावल के खीर जरूर ट्राई करिए आप लोग भी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को भी बहुत ही पसंद आएगी। इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और अपना अनुभव हमसे शेयर कीजिए। रेसिपी पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।